फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने साइंस में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। आज हम बात करेंगे फैट की यानी कि वसा की और प्रोटीन की। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रही थी कि आप लोगों को अभी हिंदी और संस्कृत के वीडियो डिसकंटिन्यूटी में मिल रहे होंगे, लगातार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मैडम है वो थोड़ा सा अभी बिजी है। 24 तारीख के बाद आपको कंटिन्यूटी में हिंदी और संस्कृत के वीडियो मिलेंगे। तब तक आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, लेकिन आपको बीच बीच में हिंदी और संस्कृत के वीडियो मिलते रहेंगे, एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी अभी। चलिए अब हम बात करेंगे फैट की और प्रोटीन की। सबसे पहले हम देखते हैं फैट के बारे में, वसा के बारे में। वैसे मैं आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं देती हूँ, आज भी मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, आप भी अपने नोट्स ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाना। यहाँ पे आज मैंने जो कुछ भी लिखा है उसमें से हर एक से क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहें जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। चलिए बात करते हैं वसा या फैट की। जनरली आपने फैट डेली यूजेज में सुना भी होगा। चलिए पहले हम देखेंगे कि फैट जो क्या है। फैट से भी हमें ऊर्जा मिलती है, जो भी भोजन में फैट होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए दो चीजों को अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आप सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिल रही थी और हमें फैट से भी ऊर्जा मिल रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें दोनों चीजों से ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें निरंतर रेगुलर जो है एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। लेकिन अगर हम वसा की बात करें तो ये क्या करता है, इस जो खाने में वसा होती है वो एक बैकअप के रूप में एनर्जी को स्टोर कर लेती है। जैसे आप लोग अगर कंप्यूटर या लैपटॉप मोबाइल यूज करते हैं तो हम कुछ बैकअप में रख लेते हैं, जो भी हमारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा बैकअप में रख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारी चीज कंप्यूटर लैपटॉप या कोई कुछ भी चीज खराब हो जाए तो हमें उन चीजों का नुकसान ना हो, वो जरूरी चीजें हमारे पास बनी रहे, फिर हम उस बैकअप को रिस्टोर कर लेते हैं सही हो जाने पे। इसी तरीके से वसा जब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जब हमें खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो जो वसा होती है वो एनर्जी को बैकअप के रूप में स्टोर कर लेती है और उस टाइम पे हमें यहाँ से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है और जिससे कि हमारी बॉडी चलती रहती है। अब चलिए सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, ऑक्सीजन कम होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एज कंपेरिजन टू फैट। फैट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है। क्या होता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो जो हमारा खाना है जब वो ऑक्सीकृत होता है तब वो ऊर्जा उत्पन्न करता है, उससे हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो हमारी बॉडी में बैकअप के रूप में स्टोर हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे वसा के फंक्शन, मतलब इसके कार्य क्या हैं हमारी बॉडी में। ये तो हमने देख ही लिया, ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि ये हमें ऊर्जा प्रोवाइड करती है और वसा से खाना स्वादिष्ट बनता है। अब जैसे आप लोग बर्गर पिज्जा वगैरह खाते होंगे तो उसमें चीज मोस्टली लोगों को पसंद होता है, चीज बस्ट, क्यों, क्योंकि उससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है। अब चलिए अब हमने वसा की चीजें तो जान ली, अब हमें वसा मिलती कहाँ से है, किस चीज को खाने से हमें वसा मिलती है। तो देखिए इसको हमने वसा के स्रोत को हमने दो चीजों में डिवाइड किया, एक जंतु वसा और एक पादप वसा या तेल। फ्रेंड्स ये चीजें आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जंतु वसा में क्या आता है, हमारा मक्खन, देसी घी। मतलब जंतु वसा में क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमें जंतु से प्राप्त होती है। अब जैसे देसी घी है, ये हमें गाय के दूध से प्राप्त होता है या फिर भैंस के दूध से ही तो हम घी निकालते हैं, वहीं से हमें दूध मिलता है, दूध से ही पनीर बनता है, मांस भी जानवरों से ही मिलता है। तो जंतु वसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। पादप वसा या इसको हम तेल भी कहते हैं, पादप वसा या तेल, ये जैसे पकाने वाला तेल हो गया हमारा, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल। तो इस तरीके से आपने देखा होगा काफी एड आते रहते हैं, फॉर्चून का
मतलब कम फैट वाला ऑयल, या आपने सुना होगा ऑलिव ऑयल में बहुत कम फैट होता है, तो इस तरीके से तेलों में भी फैट होता है। चलिए अब देखें बसा में से किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछा जा सकता है कि किस में ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है, तो आपको तीन चार ऑप्शन दे दिए होंगे, बसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो आप बता देंगे बसा। ऐसे ही हमसे पूछा जा सकता है कि बसा के स्रोत में, यानी कि पादप बसा के स्रोत में क्या आता है, तो आपको तीन चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उससे आपको ये चीज पता लगानी होगी। अब चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। फ्रेंड्स, प्रोटीन आपने अपनी डेली लाइफ में भी काफी सुना होगा, अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी की ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें प्रोटीन अलग अलग उसमें डिवाइडेड रहता है। चलिए अब बात हम करते हैं, जो प्रोटीन है वो एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है कि प्रोटीन निम्न में से यौगिक है, तो आपको जैसे तीन चार ऑप्शन दे दिए गए कि कार्बनिक यौगिक, अम्लीय है, अम्लीय एक्टर है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे, तो आपको आंसर क्या होगा? कार्बनिक यौगिक। अब चलिए हम बात करते हैं प्रोटीन जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। मैंने यहाँ पे लिखा है सी मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। मतलब जो प्रोटीन है, प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। किन्हीं किन्हीं प्रोटीन में सल्फर और पोटेशियम भी पाया जाता है। अब प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करता है। जो मृत कोशिकाएं, जैसे हमारे शरीर में कुछ मृत कोशिकाएं हो जाती है, उनमें ये क्या करता है? उन चीजों का निर्माण करता रहता है। अब अगर हम देखें तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है हमें प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होगा वो हमें 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, इसमें मैं स्टार बना दे रही हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मतलब प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 1 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब चलिए फंक्शंस ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं, मतलब प्रोटीन के कार्य। अभी मैंने आपको बताया कि शरीर के निर्माण में सहायक होती है। अगर हमारा कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज अगर डैमेज हो जाती है या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो ये क्या करता है? तो वो चीजें प्रोटीन से ही सही हो सकती हैं। फिर आगे देखिए भोजन पचाने में सहायक। कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं? हमारे खाने को पचाने में बहुत मदद करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं? हमारे खाने को पचाने में सहयोग करते हैं। जो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में सहयोग करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम एंजाइम कहते हैं। ये भी बहुत जरूरी बात है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भोजन पकाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो एंजाइम। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण करता है, ऐसे ही ये प्रोटीन से क्या होता है? हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है, नाखून है, बाल है, ये क्या करते हैं? शरीर के अवयव बनाने में सहायक होता है। मतलब अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो अगर हम ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खाएं तो वो चीज नॉर्मल आ जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमसे फिर भेड़ हो गई। भेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। वो कैसे? क्योंकि जो भेड़ होती है, जो खाना खाती है, उनमें जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन के ही थ्रू हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। ऐसे ही आपने देखा होगा रेशम के कीड़े, जो कि रेशम जिससे हमें मिलता है रेशम के कीड़ों से, तो वो भी क्या करती है? वो भी उनमें प्रोटीन की वजह से ही आती है। अब प्रोटीन क्या होता है? ये एक प्रोटीन में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आपने सुना होगा
रेड सेल्स व्हाइट सेल्स हमारी बॉडीज में होती हैं। तो क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ या कोई बीमारी हुई, तो जो हमारे शरीर की जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो उससे लड़ती हैं। जब तक वो लड़ती रहती हैं, तब तक हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आती है। और जब वो खत्म हो जाती है श्वेत रक्त कणिकाएं, तो हमारी बॉडी में बीमारी आ जाती है। तो प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से ही वो व्हाइट रेड सेल्स उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटीन में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। अब चलिए, हमने इतनी चीजें प्रोटीन के बारे में अब जान ली। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन हमें क्या क्या खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो देखिए, दूध, फ्रेंड्स दूध सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दूध में हर एक चीज पाई जाती है, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये क्या हो गए, ये प्रोटीन के सोर्सेज हो गए। प्रोटीन के सोर्सेज का भी हमने दो चीजों में डिवाइड किया, एक जंतु स्रोत मतलब एनिमल, जो हमें एनिमल से मिलता है, और एक पादप स्रोत यानी कि जो हमें प्लांट से मिलता है। तो सोर्सेज में जंतु स्रोत में क्या आएगा, दूध, मांस, मछली, अंडा, जैसा कि अभी हमने यहाँ भाषा में भी देखी थी ये चीजें। ऐसे ही प्लांट सोर्स में क्या आएगा, दालें, फलियां, सोयाबीन। प्लांट्स के बारे में हम पूरा पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विटामिन बताएंगे, जल बताएंगे, उसका रासायनिक सूत्र बताएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।